नवाज शरीफ की रिहाई पर जेलर के ऑफिस में तस्वीर का मामला, तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर एफेड्रीन केस के मुजरिम हनीफ अब्बासी को अडियाला से अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जेल से रिहाई के बाद पहली मरतबा आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जाती उम्र में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मशावरत होगी। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज को मुतहरक करने का फैसला भी किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लाइन में लगकर बोर्डिंग कार्ड हासिल किया, लोगों ने सेल्फियां भी बनवाई। शाह महमूद कुरैशी 29 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात करेंगे। भारत से तूफानी बारिशों का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया, पंजाब में बादल बरसना शुरू हो गए। जेहलम में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार, चार रोज में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए रावी, चनाब और सतलज के अतराफ मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। और कराची में यौम आशूर पर लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए, एमजीनर रोड पर ट्रैफिक रवा दवा, मुख्तलिफ शहरों में मौतल की गई मोबाइल फोन सर्विस बहाल, डबल सवारी पर पाबंदी भी खत्म, 10 मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर हजारों अहलकार तैनात किए गए।